नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। इस बार बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में मॉनसून देर से लौटेगा। अभी सितंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियां अब यह इशारा कर रही हैं कि अभी सूबे को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अक्टूबर मध्य तक मॉनसून का प्रभाव रहेगा और कभी तेज तो कभी छूटपूट बारिश होती रहेगी। इधर खेती किसान से जुड़े विशेषज्ञों ने सफल की बेहतरीन पैदावार के लिए इसे शुभ संकेत बताया है। फिलहाल पटना सहित देश के अलग अलग हिस्सों में अगले एक हफ्ते भी बारिश की आसार हैं। दरअसल अरब सागर की ओर से प्रेशर एरिया बना है और यह अगले 48 घंटों में बिहार सहित आसपास के इलाकों में प्रभावी होगा। मौसमविदों का कहना है कि सितंबर के आखिरी दिनों में मॉनसून के लौटने का समय होता है, लेकिन इस बार ऐसा होने के आसार कम है। मॉनसून अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। एक अन्य परिस्थितियों के अनुसार अभी पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति उत्तरी पाकिस्तान की ओर है। अमूमन इस हफ्ते तक यह देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावी हो जाती है। इस बार इसका असर एक से दो हफ्ते की देरी से होगा। इसके प्रभावी होते ही हवाओं की दिशा में तेजी से बदलाव होगा और पछुआ का प्रभाव दिखेगा। मौसमविदों के पूर्वानुमान को बल इस बात से भी मिल रहा है कि भारत में मॉनसून का प्रवेश इस बार एक हफ्ते की देरी से हुआ था। केरल तट पर बरसने के बाद मॉनसून का प्रसार देश के अन्य हिस्सों में नहीं हो सका था, क्योंकि अरब सागर में एक चक्रवात तटों से आकर टकरा गया था। इससे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आने वाली नमी मॉनसून के लिए परिस्थितियां तैयार नहीं कर सकी थी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के डिप्टी अफसर SK पटेल बताते हैं कि इस सारी परिस्थितियों के अध्ययन से यह संकेत मिल रहा है कि सितंबर के अंत तक प्रभावी होने वाला मॉनसून इस बार अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे श्री पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।